गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अ टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब हम किसी भी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसे कहीं भी रेटिफाई नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट कोई स्टॉपल नहीं हो सकती। माइनर क्या होता है, बेनिफिशरी होता है, प्रॉमिसी होता है, ये सब आपके डिस्कस कर लिया था। कुछ पॉइंट्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड। एक तो होती है कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली, एक होती है कंडीशनल। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट के ऑपोजिट होता है कंडीशनल। मीन्स क्या है, एब्सोल्यूट होता है 100%, कंडीशनल होती है मे बी, यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो उसे हम क्या कह सकते हैं, कंडीशनल। लेकिन एब्सोल्यूट होता है 100%। तो नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, एब्सोल्यूटली वॉइड है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर क्या है, नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है कि अगर हमें बाद में पता चल रहा है कि वो माइनर है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो वाइड है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि कोर्ट में जाकर के वो कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म करे, मुझे लॉस हुआ है, कंपनसिटी, ये कुछ भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। सब कुछ क्या है, इम्पॉसिबल है, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर और एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड फ्रॉम बिगिनिंग। देन लाइबिलिटी फॉर टॉट, टॉट मीन्स होता है एक सिविल रॉन्ग, कि जो माइनर है वो लाइबल नहीं होता, बट अगर कुछ सिविल रॉन्ग कर रहा है वो, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, लाइबल होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनर की जो लाइबिलिटी है वो किसके लिए हो सकती है, सिर्फ टॉट्स के लिए हो सकती है, सिविल रॉन्ग के लिए हो सकती है। देन नो इंसॉल्वेंसी, माइनर है जो कभी भी मुझसे क्या नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। देन पार्टनरशिप, माइनर कैन बिकम इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, बट अंडर पार्टनरशिप एक्ट इट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स क्या है, जो माइनर है वो पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मगर कब हो सकता है, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए वो अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। देन माइनर कैन बी एन एजेंट, एजेंट कौन होता है, जो किसी और पर्सन के बिहाफ पे काम करता है, जिसे हम कहते हैं गारंटियर। अगर हम किसी की बात करें, एग्जांपल से समझे कि ए ने बी को कार दी, तो सी ने क्या कहा, भी ठीक है भाई, बी को कार दे दो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी मनी वापस कर देगा, तुम्हारी रिफंड दे देगा। यहाँ पर क्या है, माइनर सिर्फ एज एन, हम लगा लो कि सी है जो सिर्फ एज एन एजेंट वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें कि माइनर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो माइनर कभी हो ही नहीं सकता। माइनर किसी की गारंटी जरूर दे सकता है, लेकिन माइनर के बिहाफ पे कोई काम करेगा तो ये हमें खुद ही पता है कि जिसको समझ ही नहीं उसके बिहाफ पर कोई काम कैसे कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि माइनर सिर्फ एजेंट के तौर पर काम कर सकता है, कभी भी प्रिंसिपल के तौर पर काम नहीं कर सकता। देन माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन इन दी एबसेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एंड इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग इज पेरेंट और गार्डियन। मीन्स क्या है, अथॉरिटी ही एबसेंस है तो अपने पेरेंट्स को या लीगल गार्डियन को, रिप्रेजेंटेटिव को ब्लाइंड नहीं कर सकता माइनर। मीन्स क्या, कोअर्जन नहीं कर सकता, किसी भी तरह की इन्फोर्समेंट नहीं कर सकता। देन ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाई माइनर एंड अडल्ट, सपोज करो माइनर है एक अडल्ट है, उन्होंने कोई ज्वाइंट अग्रीमेंट कर लिया किसी की थर्ड पार्टी के साथ, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनर तो लाइबल होगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता कि अडल्ट भी नहीं होगा, तो अडल्ट को तो थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। मीन्स क्या है, सपोज करो ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी और सी के साथ कोई, अब बी माइनर है सी अडल्ट है, तो ए को रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सी होगा, बी तो नहीं होगा, बी तो माइनर है। देन क्या है, श्योरिटी फॉर ए माइनर, श्योरिटी फॉर ए माइनर मीन्स क्या है, जो माइनर की श्योरिटी लेगा वो ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट के साथ किया कि थी, श्योरिटी ली थी कि इसके बिहाफ पे तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूँ। देन माइनर एज शेयर होल्डर, अगर माइनर पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए आ सकता है तो माइनर क्या कर सकता है, शेयर होल्डर तो कंपनी का नहीं हो सकता, इनकम्पिटेंट होता है। क्यों, क्योंकि वह पार्टनरशिप में भी तो इनकम्पिटेंट होता है, तो कंपनी में कैसे हो सकता है, तो शेयर होल्डर के भी एबल नहीं होता बनने के। मगर क्या है, अब बाई मिस्टेक वो बन भी जाता है तो कंपनी क्या कर सकती है, ट्रांजैक्शन को क्या कर सकती है, रिस्काइंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। देन लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, कुछ नेसेसरीज के लिए माइनर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइक सिविल, मैंने कहा था कि सिविल टोट के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो ऐसे ही वो कुछ लाइबिलिटीज के लिए नेसेसरीज हैं जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब हमने क्या किए हैं, अब इफेक्ट्स किए हैं माइनर के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। थैंक यू।